मूंग और चौलाई मिलाकर इसकी हम दाल बनाएंगे। और इसके लिए हमने ये 250 ग्राम मैंने चौलाई ली थी, इसके छोटे छोटे पत्ते और नरम डंडियां लेके मैंने इसको बारीक कट कर लिया है। ये 1 कप दाल मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दी थी, इसका पानी मैंने निकाल के रख लिया है। मूंग दाल है ये, इसे मैंने पानी भी ले लिया है। ये 1 मीडियम साइज की मैंने प्याज बारीक कट कर ली है, 1 मीडियम साइज का टमाटर बारीक कट कर लिया है। ये मैंने आधा चम्मच जीरा ले लिया है, ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, ये 4 से 5 मैंने लहसुन छील कर इसको बारीक कट कर लिए हैं। और ये मैंने हींग ले ली है, ये हमारे तड़के का मसाला है। मैंने नमक ले लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है, 1/4 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है, और 1/4 चम्मच ही मैंने लाल मिर्च ले ली है। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और आगे अच्छे अच्छे वीडियो डाल सकें। ये मैंने इसके लिए कुकर ले लिया है, तो सबसे पहले हम अपनी चौलाई, इसको मैंने खूब अच्छे से 3 से 4 पानी से मैंने अच्छे से धोकर निकाल लिया था। सबसे पहले हम अपनी चौलाई डालेंगे। चौलाई 2 तरह की आती हैं, एक लाल चौलाई होती है, एक हरी होती है। हमने हरी वाली ली है। अब इसमें हम ये पानी डाल देंगे। तीन से चार गिलास के करीब दाल हम अपनी बाद में डालेंगे, क्योंकि दाल हमने पहले से भिगो रखी है, तो दाल हमारी बहुत जल्दी गल जाएगी। तो सबसे पहले हम चौलाई अपनी पकाएंगे। ये मैंने कुकर रख दिया है गैस पर। सबसे पहले हम इसमें एक सीटी लगा लेंगे। अभी मैंने इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं किए हैं। पहले हम साग को अपने पका लेंगे, आंच मीडियम रखेंगे। देखिए हमारे साग में एक सीटी लग चुकी है। अब इसमें हम निदार डाल देंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी दाल डाल के बना सकते हैं, चने की दाल, मसूर की दाल, बिना छिलके वाली। तो मिला देंगे। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे, जो हमने हल्दी मिर्च धनिया लिया था। इसमें बहुत हल्के मसाले डालते हैं, ज्यादा मसाला नहीं जाएगा। इसमें हम आधा चम्मच के करीब नमक डाल देंगे। उसके बाद हम चेक कर लेंगे, कम होगा तो हम फिर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। अब इसमें हम ढक्कन लगाकर एक सीटी और लगाएंगे। दाल में हमारे 1 सीटी अब लग गए, और इसको मैंने इसी के प्रेशर में 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। देखिए दाल और चलाई हमारा अच्छी तरह गल गया दोनों की। आप चाहें तो इसी चम्मच से ही इसको मैश कर लें अच्छे से। देखिए अब हम यहीं पर अपना नमक चेक कर लेंगे, नमक हमारा बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। ये देखिए मैंने पैन रख लिया, इसमें मैंने तेल डाल दिया। ये मैंने पीली सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी लगा सकते हैं तड़का। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले जीरा। इसमें हम डाल देंगे हींग। इसमें हम डाल देंगे लहसुन। लहसुन भी हमारा थोड़ा सा भून गया है, इसमें हम डाल देंगे प्याज।
हम ब्राउन कर लेंगे। प्याज भी हमारी ब्राउन हो गई है, इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे इससे से। मूंग की दाल और चौलाई दाल कर आप बनाएं, बहुत अच्छा लगता है, खाने में बहुत ही मजे की होती है। देखिए प्याज टमाटर हमारे अच्छी तरह भून गए हैं, इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे, इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसी में अपनी हम दाल डाल देंगे। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। दाल हमारी 1 मिनट के लिए पक चुकी है, अब हम गैस अपनी बंद कर देंगे, इसको अपने सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे पसंद करते हो। देखिए दाल हमने अपने बाउल में निकाल ली है, इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे कटा हुआ। आप चाहें तो इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं, हम इसमें मक्खन डाल रहे हैं, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल चावल के साथ, रोटी के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है, तो आप भी जरूर बनाइए। अगर ये रेसिपी हमारी आपको पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कोई भी कमेंट हैं आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।